दर्शन की 59वीं कक्षा, योग दर्शन के द्वितीय पाठ साधन पाठ का 15वां सूत्र चल रहा है, जिसमें विवेकी के लिए सब कुछ दुख रूप ही है, दुखमेव सर्वविवेकिना ये कहा गया, क्योंकि परिणाम ताप संस्कार और गुणवृत्ति विरोध ये दुख योगी को दिखाई देते हैं। कल हमने संस्कार दुख तक का भाग देखा था, कल के पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी, सूत्र संख्या 13 सतिमूल्य तत्व का। आचार्य जी, यदि हम ऐसे माने कि आयु निश्चित होता है, बताए थे जाति आयु और भोग जो है त्रिविपाक कर्म निश्चित होता है, तो ये इस जन्म में हम जो कर्म करते हैं उसके द्वारा वो घटता भी है और बढ़ा भी सकते हैं। तो घट सकता है तो हम देख सकते हैं कि किसी ने गलत खान पान वगैरह किया है तो उसका कुछ रोग हुआ, उससे वो मृत्यु हो चुका है, या अचानक किसी एक्सीडेंट आदि से भी मृत्यु हो गया है, या अपना शरीर स्वस्थ रखा था उसका आयु बढ़ भी सकता है। तो जिसने ना ही घटाया ना ही बढ़ाया, ऐसा कर्म कुछ किया नहीं कि जिससे कि उसका घटाया बढ़ा है, सामान्य जिस प्रकार है उसी प्रकार चला, तो उसका जो जाति आयु भोग के रूप में जो आयु मिला था उसी आयु में यदि उसका मृत्यु हुआ है सामान्य, तो उसका मृत्यु किस प्रकार होगा, क्योंकि किस प्रकार होगी, क्योंकि यदि रोग के द्वारा हो रहा है तो उसने ऐसा कर्म किया है, नहीं तो स्वस्थ हुआ है तो स्वस्थ व्यक्ति तो फिर वृद्धावस्था में मृत्यु होगी। इस दृष्टि से स्वाभाविक मृत्यु शरीर के जीर्ण शीर्ण होने पर होती है, व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, आयु बढ़ जाती है और फिर शरीर छूट जाता है, इसको एक को स्वाभाविक मृत्यु कहा। हालांकि जब भी व्यक्ति वृद्ध होता है तो अधिकांश में कोई ना कोई रोग भी रहता है, कुछ ना कुछ समस्या आती है। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो सब तरह से ठीक चल रहा था, फिर अचानक बस आखिरी दिनों में कुछ हुआ और चला गया, नहीं तो बहुत लंबे समय तक व्यक्ति रोगों से भी ग्रस्त रहता है, वर्षों तक चिकित्सा भी कराता रहता है और फिर उसी रोग से एक दिन क्षीण होते होते मर भी जाता है। तो इसमें सीधे सीधे हम पूरा निर्धारण तो नहीं कर सकते किसी को कि ये इसकी स्वाभाविक है, सामान्य रूप से कथन कर सकते हैं। क्योंकि सामान्य वृद्धावस्था से होने वाली मृत्यु में भी रोग तो रहते हैं, और उस रोग के आने में उसका वर्तमान का दोष भी रह सकता है, और पिछले कर्मों के अनुसार उसकी शारीरिक रचना ही ऐसी है कि वो रोग उसको आने वाला है, जल्दी आ जाता है। शरीर की रचना ऐसी होती है, यानी गुणसूत्र ऐसे बने रहते हैं, जीन्स ऐसे रहते हैं कि उसमें वो रोग बहुत शीघ्रता से आ जाएगा। औरों की तरह से सामान्य ही खा पी रहा है वो, लेकिन रोग आ जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा विपरीत कर रहा है तो भी रोग नहीं आता है उसको, उसकी अंदर की सुरक्षा ऐसी है कि उसके नहीं आ पा रहा। तो बहुत कुछ तो हमारे जीन के अंदर गुण सूत्रों में भी निर्धारित रहता है, ये हम पूर्व कर्म के अनुसार मान सकते हैं। अब वर्तमान का जो भी कर्म है वो उसमें घटा बढ़ी तो करेगा, तो पिछले कर्म के अनुसार जो आयु है वो निश्चित होते हुए भी एक तरह से अनिश्चित हो जाती है, क्योंकि वर्तमान में ऊंचा नीचा होता है। मोटे तौर पे आप जैसा कह रहे हैं मान सकते हैं कि सामान्य जीवन जी रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ गलत भी नहीं कर रहा है, कुछ बहुत अच्छा भी नहीं कर रहा है, और फिर उसकी जैसी आयु बनी कह सकते हैं लगभग उसकी निश्चित वैसी हो गई होगी। बोलो, इसका मतलब जो स्वाभाविक मृत्यु वृद्धावस्था में माना जाता है, हाँ, तो आयु जो है जो निश्चित आयु हमें मिल रहा है जाति आयु भोग में, हाँ, तो वृद्धावस्था का ही ऐसा मानना पड़ेगा। हाँ, वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था है। दूसरा, इसमें जो अन्य निमित्तों से होती है, अन्य व्यक्ति हैं, कोई घटना है, उसमें भी हम पूरा पूरा निश्चय नहीं कर सकते। सामान्य रूप से हमें बाह्य किसी मनुष्य चेतन के द्वारा कुछ हो रहा है, आघात हुआ, उसकी असावधानी हुई और इससे किसकी मृत्यु हो गई, ये तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि भाई इसके लिए निश्चित नहीं थी, दूसरे की कमी से ऐसा हुआ है। लेकिन कुछ स्वाभाविक स्थितियां होती हैं, अचानक अब वो उसी के शरीर में ही अचानक कुछ हो जाता है और पता भी नहीं लगता है,
उन आकस्मिक स्थितियों में वृद्धावस्था से पहले भी जो हुआ है उनमें भी एक अंश में हम कहीं कह सकते हैं कि ये इसकी इतनी ही थी आयु, हम निर्धारण नहीं कर सकते, लेकिन अंदर की स्थितियां ऐसी एकदम से बदल जाएंगी कि वो व्यक्ति चला जाएगा, तो उसको भी पिछले जन्म के अनुसार कहा जा सकता है यदि बाहर का कोई कारण हमें पता नहीं लग रहा है। लेकिन ये सब संभावना में कथन है, आप इसके आधार पर निश्चय करने लगो कि बताओ कि पूछने लगो कि भाई ये हुआ है तो ये अब क्या पिछला ही निश्चित था, निश्चय से नहीं कह सकते, लेकिन हम एक संभावना कर सकते हैं कि वृद्धावस्था से पहले भी जो मृत्यु होती है उसमें भी स्वाभाविक मृत्यु का हो सकता है, उसके पिछले कर्मों के अनुसार निश्चित आयु हो सकती है। ठीक है, हाँ बोलिए। ये तो हो गया सर जी। दूसरा था जो प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही हमें माता पिता से जन्म मिलता है बोले हैं, तो जो हमारा कर्म रहते हैं उसी के अनुसार माता पिता से जन्म मिलता है बताए हैं, तो कुछ ऐसा भी होते हैं कि या तो पेट के अंदर ही कुछ विकार आ जाता है बच्चे को तो विकार से ही वो उत्पन्न हो जाता है, नहीं तो कुछ बच्चे पैदा होने के बाद माता पिता अच्छा पोषण नहीं कर पाए या उसका देखभाल नहीं कर पाए तो बहुत जल्दी मर भी जाता है 10 महीने में या 1-8 साल में ही। तो इसमें माता पिता का हम गलती मानेंगे या तो उसका प्रारब्ध कर्म ही ऐसे थे, उसके कर्म ऐसे थे जिस कारण से ऐसे माता पिता मिले हैं और इतने ही जन्म में उसका मृत्यु हो चुका। देखिए, पहले वाक्य का उत्तर तो ये आपको बताया ही था और वो मान के ही चलेंगे कि माता पिता का मिलना हमारे कर्म के अनुसार होता है, लेकिन माता पिता जैसे हैं वो सदा वैसे ही बने रहेंगे ये तो निश्चित नहीं है। माता पिता की स्थिति बदल भी जाती है और बुरे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, आर्थिक दृष्टि से भी और व्यवहार की दृष्टि से भी, सब तरह से बहुत अंतर आ सकता है क्योंकि वो भी कर्म करने में स्वतंत्र है। तो जब हम ये कहते हैं कि पिछले कर्म के अनुसार माता पिता या परिवार मिला है वो एक सीमा में ही घटता है, ये तो कहेंगे कि पिछले कर्म के अनुसार मिला है, लेकिन अब इसके अगला वाक्य भी हम अगर जोड़ने लग जाएं कि इसका मतलब है कि उन माता पिता के द्वारा या परिवार में जो कुछ भी इसके साथ में हो रहा है वो सब इस बच्चे के पूर्व कर्म का ही था, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, तो माता पिता का मिलना ये कर्मानुसार होते हुए भी अब उस परिवार में उस बच्चे के साथ में जो भी होता है, जो आप उदाहरण दे रहे हो, कुपोषण हो गया, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, चिकित्सा नहीं हुई, वो जल्दी मर गया, कहीं अच्छा हो गया, ज्यादा अच्छा हो गया, ये जो सारी चीजें हैं, अब यहां मनुष्य का कर्तृत्व फिर आ जाता है, कर्म की स्वतंत्रता वो भी साथ में जुड़ जाती है। एक संभावित रूप से परिवेश व्यक्ति को मिल गया कि इसके कर्म के अनुसार लगभग ये चीजें हैं, अब उसमें जो ऊंचा नीचा होता है वो अवश्य होगा ही कर्म की स्वतंत्रता के कारण से, और वो जो ऊंचा नीचा हो रहा है उसके अनुरूप उसका कर्माशय क्षीण आदि होता रहेगा। एक सामान्य परिस्थिति मिली है, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल हर चीज अब यहां जो भी होगी वो इसके कर्म के अनुसार ही होगी, ऐसा कभी नहीं कह सकते। अब जब बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता है यानी दूसरे कुछ भी कर सकते हैं तो हमें लगने लगता है कि फिर न्याय व्यवस्था क्या रही, फिर कर्म के अनुसार कहां हुआ। तो न्याय व्यवस्था लग रहा है कि दूसरे अन्याय कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसके पीछे बाद में न्याय होता है, इसलिए वो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत माना जाता है। दूसरे व्यक्ति जैसा व्यवहार कर रहे हैं, अब बच्चा पेट के अंदर है और किसी चिकित्सक ने गलत औषधि दे दी, माँ का भी दोष नहीं है, या चिकित्सक को भी नहीं पता है कि भाई ये महिला गर्भवती है, उसने भी बताया नहीं और उसको औषधि दे दी ऐसी, बच्चे के लिए हानिकारक हो गई, वो मान लो पूरे जीवन भर मंद बुद्धि रह गया, अपंग हो गया, इत्यादि कुछ भी हो सकता है। तो अब ये जो स्थितियां हैं ये अज्ञानता से दूसरों के द्वारा किया गया अन्याय है, इन ऐसी चीजों को हम उसी बच्चे के कर्मों का फल नहीं कहें, ऐसा निश्चय नहीं कह सकते। बहुत अधिक संभावनाएं कर्म की स्वतंत्रता के कारण से ऊंच नीच होने की बनती हैं। तो सामान्य रूप से ऐसी स्थिति बनी है, अब उसमें जो जो भी होता रहेगा सारी जो जो संभावनाएं वो हो सकती हैं वहां पर, और उसके अनुसार फिर कर्म में न्यूनाधिकता होती रहेगी। अब जैसे कि कोई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, पक्षी हैं, अब उनको अपने कर्म के अनुसार शरीर मिल गया, लेकिन कब किसको कौन मारेगा,
कब किसके पैर के नीचे आकर के कोई मर जाएगा, मकोड़ा या चींटी, या उसकी टांग टूट जाएगी, कोई बच्चा खेल में टांग तोड़ देगा, वो कोई निश्चित थोड़ा है। इसी मकोड़े को होना था, दूसरे को नहीं होना था, यही मरने थे दूसरे नहीं मरने थे, ये निश्चित थोड़ा होता है। लेकिन एक समान स्थिति में वो पैदा हो गए। अब वहां यदि उनके साथ में दूसरों के द्वारा कुछ अन्याय पूर्वक दुख आदि दिए जाते हैं, तो चूंकि कर्माशय बहुत बड़ा होता है, तो जैसा जैसा उसने भोगा उसके अनुसार से वहां पर घट जाता है। तो पूरी तरह से निर्धारित ना होते हुए भी अन्यों के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक किया गया अन्याय दुख होते हुए भी उस व्यक्ति के हिसाब में से, तो कर्माशय में से, तो वो ठीक घट जाएगा, ईश्वर व्यवस्था कर देगा। इसको इस कारण से यदि दुख हो गया है, तो उसके जो कर्माशय में से कुछ बुरे कर्म थे जिनका कि फल ये हो सकता है, वो घटा देगा, कम हो जाएगा, भोगा हुआ मान लिया जाएगा वो। इस दृष्टि से उसके साथ तो न्याय हो गया, इसको अन्याय नहीं कहेंगे। कर्म की स्वतंत्रता और अनिश्चितता ये तो माननी पड़ेगी, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। सब कुछ निश्चित कर मान लेते हैं तो अधिक जटिलता होती है, उसमें तो कोई समाधान ही नहीं है। इस तरीके से तो फिर भी समाधान है कि न्याय व्यवस्था बनी हुई है। ऐसा ही मनुष्य के बच्चे के साथ में भी होगा, और कई बार बच्चा अपहरण भी कर लिया जाता है, ये कोई गोद दे देते हैं, कहीं और चला जाता है, तो ये सब कोई निश्चित होना होता है कि इसको होना ही है ऐसा। माता पिता ही नहीं रहे, उनका देहांत हो गया या अलग अलग हो गए, परिवार से अलग हो गए, तो ऐसी स्थितियां तो बदल सकती हैं, कर्म की स्वतंत्रता है। तो वो सब बच्चे के कर्म के अनुसार है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। परमात्मा ने ऐसा ही करना था, ऐसा नहीं कह सकते। बोलिए। ये तो ठीक है आचार्य जी की सारे के सारे निश्चित तो नहीं है, इतना तो हम मान सकते हैं, और माता पिता भी अपने कर्म करने में स्वतंत्र है, इस दृष्टि से वो धनवान भी हो सकते हैं, नहीं तो गरीब भी और बन सकते हैं, यहाँ तक तो ये तो ठीक है। परंतु ऐसा भी देखा जाता है कि जो बहुत गरीब है या निकृष्ट जीवन जी रहे हैं मनुष्य जन्म में ही, तो उनके घरों में भी जो जन्म लेते हैं वो आगे भी नहीं बढ़ा हुए रहते हैं। जब बच्चा पेट में रहता है उस समय भी उनकी जो अवस्था थी वही अवस्था आगे भी है। ऐसे बच्चे पैदा होने के बाद तुरंत ही या बीमार रहता है, या उनके इलाज करने के लिए उनके पास सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वो इलाज नहीं करवा पाए, तो उनकी मृत्यु भी हो गई है। तो ऐसे में थोड़ा बहुत उसके कर्मों का भी उसका फल मिल रहा है, मान सकते हैं थोड़ा। ये तो सामान्य रूप से तो मान ही रहे ना कि उस परिस्थिति में पैदा हुआ है, उसके उस तरह के कर्म थे कि यहाँ ऐसी ऐसी संभावनाएं हैं फल भोगने की, उतने अंश में तो मान नहीं है। लेकिन वो जो भी कुछ हुआ वो सारा का सारा उसी के कर्म का फल था, ऐसा नहीं कह रहे। कर्मफल तो प्रभावित हो ही रहा है, वहां पर समाज का अन्याय अत्याचार शोषण हो सकता है, परिस्थिति ऐसी है कि व्यक्ति अचानक न जाने क्या क्या हो जाता है समाज में, दंगे हो जाते हैं, शरणार्थी बन जाते हैं व्यक्ति, एक से एक वर्ग इधर से उधर चला जाता है। आजकल जैसे सीरिया वाला हो रहा है, या भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय अचानक ये घटना घट गई। अब ये घटना ईश्वर कृत थोड़ा है, मानव कृत है, नेताओं के द्वारा लोगों के द्वारा करके ये बहुत बड़ी ये घटना हो गई, जिसमें लाखों लोग करोड़ों लोग इधर उधर गए, मरे, और न जाने क्या क्या हुआ उनके साथ में, और उस समय जो बच्चे थे उनके साथ में क्या हो गया। ये घटनाएं निश्चित नहीं थी कि ऐसा ही होना है, इनके कर्मफल ऐसे ही थे इसलिए भोगना है, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, संभावना होती है। और अतिरिक्त जो दंड भोगा जाता है उसका, एक तो कर्माशय में से कम हो सकता है पाप अगर है तो, और कर्माशय में ऐसा पाप नहीं है और फिर भी भोगना पड़ गया, तो उसकी क्षतिपूर्ति होती है, उसको नए साधन और अवसर मिल जाते हैं जिससे कि वो उसकी पूर्ति कर लेता है। दोनों तरह से न्याय हो सकता है। आपको पूछना, बोलिए। ओम आचार्य जी, कल जो सूत्र आया था परिणाम ताप संस्कार वाला, इसमें जब योगी को ही दुख होता है विषय काल में परिणाम दुख, तो जो कुछ विषय किसी का सेवन कर रहा है वो, तो उसके जो वास्तविक चीजें हैं उसका वो उस रूप में कैसे देखेंगे? जैसे आप केला है तो वो तो मधुर लगेगा ही, उसके तो स्वाद को नहीं बदल सकता, तो उसमें किस प्रकार से? हाँ, जो वस्तु जैसी है मधुर अम्ल लवण वो तो वैसी ही लगेगी, और वो ज्ञान उसको यथावत होगा। लेकिन इसके साथ साथ में जो उसको भोग्य वस्तु के रूप में सुख के रूप में देखता है वो ये नहीं करेगा, उसमें दोष है। ये संस्कार दुख वहां काम कर रहा है। योगी इससे हट जाता है इसका मतलब है उसको सुख दुख पता ही नहीं लगता, ये नहीं कह सकते। ऐसी कई जने व्याख्या करते हैं,
इसको सांसारिक सुख नहीं चाहिए तो खाते पीते भी वो कुछ भी सुख नहीं लेगा, उसको यही नहीं पता लगेगा कि ये क्या है, मीठा है खट्टा है चरपरा है, ऐसा नहीं है, व्यवहारिक नहीं है ये। आप प्रयोग में देख लीजिए, उसमें मान लीजिए नमक ज्यादा है तो पता लगेगा उसको और उससे बचेगा। कड़वा हो गया, मान लो तुरई कड़वी आ गई और कड़वा साग बन गया तुरई का, तो इतनी हटाएगा उसको। अब वो बड़ों में भी देख लेना, जो जिनके लिए ये कहा जाता है कि ये अब सुख नहीं लेते हैं, वैराग्य को प्राप्त है, वहां भी आपको मिलेगा। इसलिए ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है उस वस्तु को भोग्य मानना कि ये मेरा, इससे मैं तृप्त हो जाऊंगा, ये सुख है और इसी को भोगता रहूं मैं, अधिक अधिक अच्छा भोजन करता रहूं, ये जो एक लालसा बनी रहती है इससे जो ये संस्कार आता है वो नहीं पड़ेगा उसका। ज्ञान तो उसका होगा, बिल्कुल होगा, बल्कि ज्यादा होगा उसका, एकाग्र होता है, उसको ज्यादा पता लग जाता है, संवेदनशील ज्यादा होता है, जानकारी उसको होती है। ये तो इंद्रियों का धर्म है और जिसकी जैसी इंद्रिय है उसके अनुसार से उसको दिखाई देगा। अब आंखें हैं तो जिसकी जैसी आंखें हैं, धुंधली है नहीं देख रहा है तो बात अलग है, नहीं तो आंखें अगर ठीक हैं तो उसको ये तो पता लगेगा कि ये इसका रंग रूप कैसा है, फूल किस रंग का है, सुगंध इसकी कैसी आ रही है, वो तो पता लगेगा ही, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता है। लिप्त नहीं होता है तो वो सुखानुशयी राग नहीं आता है उसको, वो नहीं भी मिलती है तो उसको वैसे परेशानी नहीं होती है। सुख की दृष्टि से, उपयोगिता की दृष्टि से जो आवश्यक है वो तो होना ही है, पानी है, दूध है, अन्न है, वस्त्र है, उपयोगिता की दृष्टि से आवश्यक है वो तो उसमें फिर उसमें भी रहेगा, लेकिन सुख की दृष्टि से जो वो चीजें इकट्ठी करता है, खाता है, पीता है, वो नहीं रहेगा उसका, उसके लिए वो अनिवार्यता नहीं रहेगी। उनके ना होने पर वो दुखी नहीं होगा, उसको और अच्छा अच्छा करने की दृष्टि से और उसके पीछे भागेगा नहीं, अधर्म नहीं करेगा, ये चीजें रुक जाती है। ठीक है, ठीक, ये तो हुआ आचार्य जी। और जब सुख लेते हैं तो वो राग से विधा हुआ होता है, तो ये जो योगियों के सुख है जैसे विवेक ख्याति वाला भी है तो उसमें भी राग को देखेंगे, इसीलिए पर वैराग्य की बात आती है। विवेक ख्याति में जो सुख होता है, यानी तो अपर वैराग्य के बाद में संप्रज्ञात समाधि में, ये भी जो सुख है ये सात्विक सुख होता है, प्रकृति का सुख होता है, तो वो भी त्याज्य है, इसीलिए तो इसको छोड़ देता है, वो गुण वैतृष्ण हो जाता है। हमारी दृष्टि से देखेंगे, छोटे स्तर पे देखेंगे तो ये बहुत ऊंची चीज है, ये जो संप्रज्ञात समाधि का सुख है या विवेक ख्याति का, वो बहुत ऊंचा है और हमें प्रार्थनीय होता है, हम चाहते हैं उसको कि वो हो, किंतु जब वो वहां पहुंच जाता है वो उतने पे टिका हुआ नहीं रहता है, वो उससे भी आगे जाता है, तब वो अविद्या कहलाएगी और तब वो उसको छोड़ता है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति हो, वो अधर्म पूर्वक धन कमा रहा है और भोजन में सुख ले रहा है, संसार के पदार्थों को भोग रहा है अन्याय अत्याचार करके, अभी अधर्म है, गलत है, अविद्या से युक्त है। अब दूसरा व्यक्ति ईमानदारी से कमा रहा है और खा पी रहा है, विषयों को भोग रहा है, तो दोनों को अगर केवल इतना ही देखेंगे तो क्या कौन अविद्या से ग्रस्त है जो अन्याय अत्याचार करके कर रहा है? ये अविद्या से ग्रस्त नहीं है, एक इतने अंश में कि वो अधर्म पूर्वक नहीं कर रहा है, वो अधर्म पूर्वक करते हुए भी उसमें अपना लाभ देख रहा है दुष्ट व्यक्ति, और ये अधर्म पूर्वक करने में हानि देख रहा है, इतनी उसकी विद्या आ गई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरा विद्या से युक्त हो गया, आखिर उसको विषयों का राग भी छोड़ना होगा। ऐसे ये संप्रज्ञात समाधि का सापेक्ष कथन की दृष्टि से। ठीक है सर जी। और एक है, जैसे कल आए थे परिणाम दुख के बारे में बात, तो इंद्रियां विषयों का भोग करने से कुशल हो जाती हैं और राग भी उसमें बढ़ता है, तो इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि जैसे अग्नि में घी डालते हैं तो वो और प्रज्वलित होती रहती है। इसमें कुछ लोग इस प्रकार से भी तर्क करते हैं कि वो हम जब इंद्रियों या अग्नि में जो थोड़ा थोड़ा घी डालते हैं तो वो अधिक बढ़ती है, अगर हम सीधे अग्नि में बहुत सारा घी डाल दें तो वो आग उठने की अपेक्षा बुझ जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ लोग रखते हैं कि इंद्रियों का थोड़ा थोड़ा अगर विषयों से सेवन करेंगे तो फिर वो बढ़ेगा, एक साथ करने पर वो खत्म हो जाएगा, इस प्रकार से रखते हैं। तो ये तो था दृष्टांत। ठीक है, वैसे तो दृष्टांत में एक अंश ही घटता है, पूरा नहीं घटता है, उस दृष्टि से भी उत्तर है, लेकिन उनको कहें कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने विषयों को खूब भोगा और तृप्त हो गया हो, बुझ गई हो आग, वो इस प्रकार से बोलते हैं कि उसकी इच्छा नहीं करती है फिर वो, अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक कर ले किसी चीज का सेवन है, ये पूछ रहा हूं, कोई उदाहरण है, कोई उदाहरण है,
उदाहरण तो मतलब दृष्टांत जी, दृष्टांत में, दृष्टांत में तो घटा दिया कि भाई वहां अगर ज्यादा घी डाल दिया जाए तो बुझ भी जाती है आग। आपने ये दृष्टांत दिया तो दृष्टांत में तो ये भी होता है, अग्नि डालने, अग्नि में घी डालने से वो बढ़ती है, तो अधिक घी डाल दो, पूरा का पूरा पीपा या बाल्टी डाल दो उस पर, तो बुझ भी जाएगा। ठीक है, इसमें दृष्टांत के जो वक्ता कहना चाह रहा था उससे अतिरिक्त जाकर के उसने ले लिया कि भाई ये दृष्टांत है तो दृष्टांत की सारी बातें प्रयोग होनी चाहिए। ठीक है, ये जाति का प्रयोग होगा न्याय की दृष्टि से, भाई वक्ता ये नहीं कहना चाह रहे, आप दृष्टांत के सारे धर्म नहीं लगा सकते हो। अगर लगा भी लें, अब मैं अभिभगम से बोल रहा हूं जो प्रश्न आपसे पूछ रहा था, मान लिया, अब ये दृष्टांत तो दृष्टांत रह गया, इसका दृष्टांत कहां पर है? बोल रहा हूं इसमें, क्या ऐसा है कि जो खाना खाए खूब खूब खाना खाए, जितना ज्यादा खा ले, और उसकी खाना खाने की इच्छा समाप्त हो जाए हमेशा के लिए, ऐसा तो नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा, नहीं। अच्छा, इंद्रिय के किस विषय में होगा वो बता दो मेरे को। अजय जी, ये जैसे अधिक भोग करने से तात्पर्य ये लेते हैं कि उसकी अब लालसा नहीं बनी रहेगी, जितना आवश्यक है उतना तो लेगा वो, लेकिन जो अधिक वाली आवश्यकता लालसा बनी रहती है तो वो नहीं रहेगी उसमें कि मैं मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इस प्रकार की। क्यों नहीं रहेगी वो? अधिक सेवन कर लिया इस प्रकार से कि उसका जान लिया कि ये तो दुख में मिलता है इस प्रकार से अधिक करने से, तो उसका पता लग गया उसको कि मैं अधिक सेवन कर रहा हूँ, तो ये तो बुझ नहीं रही है, यानी कि और भड़क रही है। इकट्ठे कर लेने से उसका ज्ञान हो गया उसको कि अब आगे ये परेशानी ही करेगा, इसलिए इसको सीमित मात्रा में लेना ही जरूरी है। तो ये अधिक सेवन से वैराग्य हुआ है या अधिक सेवन के बाद में जो परिणाम आया दुख का, उससे विवेक प्राप्त करके वैराग्य हुआ है? परिणाम दुख जो आया पश्चात, वो तो ये कह ही रहे हैं ना, परिणाम दुख। आप चाहे कम सेवन में परिणाम दुख देख लो, चाहे अधिक सेवन में परिणाम देख लो, बात अभी ये नहीं चल रही थी कि वो हट जाता है। अधिक सेवन से विषय की इच्छा समाप्त हो जाती है, इसका कोई उदाहरण बताओ। उसमें दूसरी बात जो थी, कल भी प्रसंग में बोला मैंने, आप भी जानते हैं उन बातों को, कि विषय का सेवन अधिक करते करते या तो उसके पास साधन चुक गए हैं, पैसा नहीं है, चीजें उपलब्ध नहीं है, तो वो धीरे हाँ ठीक है भूख के देख लिया, हो गया, वो समाप्त हो जाएगा, अब है ही नहीं अभी, खट्टे अंगूर वाली बात है। ठीक है, प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो बोले अंगूर खट्टे हैं, अब कुछ तो मन को संतोष देंगे ना कि अंगूर है, अंगूर की बेल है, वो ऊपर से लोमड़ी उसको ले नहीं पा रही है, लोमड़ी के लिए बोलते हैं, अब लोमड़ी अंगूर खाती है नहीं खाती है पता है, लेकिन जो भी है, लेकिन लोमड़ी के लिए कहा जाता है, ये लोमड़ी मांसाहारी होती है ना, शाकाहार भी करती है क्या? चलो जो भी है, कोई ऐसा पशु हो जो अंगूर खाता है, अब अंगूर उसको मिल नहीं रहे थे वहां से, खूब कोशिश कर ली, जब नहीं हुए, पसीना पसीना हो गया, तो चल दिया, बोले अंगूर खट्टे हैं इसलिए नहीं खा रहे। एक प्रतीक है, एक मुहावरा अपने यहाँ चलता है, ऐसा बहुत होता है, जिनके पास है नहीं, पैसे है नहीं, बोले पैसे वालों को दुखी दुख होता है, जितने झंझट हैं उसकी रक्षा करो, ये करो, और ये रोग आ जाएगा, वो आ जाएगा, हम गरीब ही अच्छे, एक खट्टे अंगूर वाली बात होती है, मिल नहीं रहा है, उनको उपलब्ध हो जाए तो, तब भी वो छोड़ दे तब है। यूं तो अंगूर खट्टे वाली बात तो बहुत कुछ कह सकते हैं, चलो इसमें क्या है, उसमें दोष देखे, अपने मन को संतोष देने वाली बात है, या बहाना बनाना है दूसरों के सामने, तो अपने को लज्जित होने से बचाना है, बोले क्यों नहीं खा रहे, बोले नहीं ठीक है, अब कारण कुछ और है, वैराग्य से नहीं है वो, हमने अपर वैराग्य के संदर्भ में जो देखा था, दिव्य दिव्य विषय संयोगे पी और चित्तस्य और अनाभोगात्मिका हे उपादेय शून्य इत्यादि प्रसंख्यान बलात्, ये जो सारा था वो विवरण विषय उसके अंतर्गत ही होता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति, अब आपको सिद्ध क्या करना था, दृष्टांत में आपने ये कहा कि विषयों का ज्यादा सेवन करने से अग्नि बुझ जाती है, ठीक है, अब उसने घी ने ये नहीं, अग्नि ने ये नहीं देखा कि इसमें दोष है इसलिए मैं नहीं जलूंगी, अब बुझ गई हो तो विवेक की कहां बात है उसमें, तो अब विषयों का अधिक सेवन किया, अब इच्छा नहीं कर रही है, और जो मिठाई बनाते हैं दिन रात मिठाई के बीच में रहते हैं, मिठाई बहुत खाते हैं, तो उनकी मिठाई की इच्छा समाप्त हो जाती है, बोले बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, कई किसी किसी की जिंदगी भर के लिए भी हो जाती है,
लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि विषय चला गया है, वो दूसरी चीज खाएगा, नमकीन खाएगा, दूसरा विषय बना रहेगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जो विषयों को भोगने में लगा हुआ हो, विषयों को सुख के लिए, और उस बिना दोष देके केवल उसने अधिक भोगा है इसलिए वो समाप्त हो गया है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। बोलिए। ओम, ओ भर्तृहरि जी का जो उदाहरण आता है जिन्होंने काफी भोग किया और भोग के बाद उन्होंने कहा कि इसमें तृप्ति नहीं है, तो इस उदाहरण को किस प्रकार से घटाएंगे फिर? तो विषयों का अधिक सेवन से उन्होंने कहा कि इससे तृप्ति नहीं होती है, विषय सेवन से ये क्या एक विवेक पैदा हुआ, विषयों के अधिक सेवन से विवेक पैदा हो गया, तब तो वही प्रक्रिया जो यहां बताई है, ये परिणाम दुख देख लिया उसने, इंद्रियों की उपशांति नहीं हुई है, जो यहां पर वचन कहा नच इंद्रियाणाम भोगाभ्यासम भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यम कर्तुम शक्यम, यही तो बात है वो। आप, मैं ये पूछ रहा हूं कि अधिक विषयों का सेवन करने से, विषयों की तो इच्छा है उसकी, लेकिन विषयों का अधिक सेवन करने से उसकी इच्छा समाप्त हो गई है, वो तृप्त हो गया है, तृप्त होकर के हट गया है, ऐसा कोई बताओ? विषयों के सेवन करते करते तृप्त हो गया है कि बस अब मैंने भोग लिया और जो सुख पाना था पा लिया, वो तृप्त होगा ही नहीं वहां पर, अभी नहीं होगा, और उसकी इच्छा करती चली जाएगी। बोलिए। स्वामी श्यामानंद जी के उस पर, अच्छा जी, जिसका उदाहरण दे रहे हैं और वो खुद ही कह रहे कि भोगाना भुक्ता वयमेव भुक्ता, खुद ही कह रहे कि भाई इससे इंद्रिय तृप्त नहीं होंगे, उनका उत्तर दे रहे हैं आप जी। ये विवेक आया ना उनको, भोगाना भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोग नहीं भोगे, हम ही भोग लिए गए, हम ही दुर्बल हो गए, हमारी शक्ति क्षीण हो गई, तो ये तो विवेक आया है उसको, इस तरह तो हटेगा ही व्यक्ति। विषयों में जब दुख देखता है तो ये तो दुख तो देखेगा ना, उसने आखिर भोगे हैं, जिसने परिणाम दुख देखा है, विषयों को भोगा है, तभी तो परिणाम दुख उसको पता लगे कम या अधिक। लेकिन इनका अभ्यास करते 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 विषयों को भोगते भोगते इसमें वितृष्णा हो जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, आगे का पाठ देखते हैं। तो परिणाम दुख तक हमने देखा था, आगे देखिए। अथ का ताप दुखता, ताप दुख क्या है? तो ताप का एक अर्थ सामान्य रूप से, जैसे अग्नि का ताप होता है, तपन होती है, हम उसको संताप शब्द से भी बोल देते हैं, पीड़ा बोल देते हैं। अब ये ताप दुख मतलब इसमें पीड़ा हो, अगर हम ऐसे रूप में लें कि जिस जिससे पीड़ा होती है वो तो ताप दुख कहलाता है, तो दुख तो सभी पीड़ा जनक, बाधा पीड़ा ताप एक ही बात है ये तो। तो ये ताप शब्द दुख का पर्याय नहीं है, यहां जो ताप कहा गया है ये किसी विशेष अर्थ में बोला जाता, दुख तो है ही इसमें, ताप दुखता है, लेकिन ये ताप शब्द कुछ विशिष्ट अर्थ में रूढ़ी बना करके विशेष पारिभाषिक रूप में विशेष संदर्भ में कहा जा रहा है, इसलिए मात्र दुख को देख करके, संताप को देख के कहें कि जहां जहां ये संताप हो रहा है, ताप हो रहा है, वो ताप दुख है, ऐसा नहीं कहना। तो क्या है ताप दुखता? तो अथ का ताप दुखता, तो पहले कुछ सामान्य बात बता रहे हैं। सर्वस्य द्वेषानुविद्धः चेतन अचेतन साधनाधीनः तापानुभव इति तत्रास्ति द्वेषजः कर्माशय। सर्वस्य सबका, न तो योगिनः, मात्र योगियों का नहीं, न तो मात्र योगिनः, सबके लिए कथन किया जा रहा है, प्राणी मात्र के लिए एक सामान्य बात कही जा रही है। ये ताप दुख तो योगी को ही लगेगा, विवेकी को ही होगा, ये तो पहले से हमें पता है, लेकिन अब जो ये वचन कहा जा रहा है ये तो एक सामान्य कथन किया जा रहा है सबके लिए, इसको ताप दुखता में नहीं लेना है योगी वाली। तो सबका ये है कि द्वेष से अनुविद्ध होता है, चेतन अचेतन साधनों के अधीन ताप का अनुभव होता है। जैसे पहले सुख के लिए कहा था कि चेतन अचेतन साधनों से उसको सुख का अनुभव होता है और वो राग से अनुबद्ध होता है,
ऐसे ही चेतन अचेतन साधनों से हमें जो दुख प्राप्त होता है, दुख का अनुभव होता है, ताप का अनुभव होता है, वो द्वेष से अनुविद्ध होता है। इसलिए तत्रास्ति द्वेषजः कर्माशय, द्वेषजन्य कर्माशय वहां पर है, द्वेषजन्य कर्माशय है यहां पर। आगे सुख साधनानी च प्रार्थयमान कायेन वाचा मनसा च परिस्पंदते, और सुख साधनों की इच्छा करता हुआ, दुख साधनों से तो हटना चाहता है और सुख साधनों की इच्छा करता हुआ व्यक्ति शरीर से, वाणी से और मन से परिस्पंदते यानी क्रियाएं करता है, स्पंदन करता है। तथा परम अनुग्रहणाति उपहंति च, और ऐसा होने के बाद दूसरों का या तो अनुग्रह करता है, दूसरों का हित करता है, या दूसरों को कष्ट देता है, हानि पहुंचाता है, उपहंति मारता है उनको, अनुग्रह करता है या मारता है अपने सुख के लिए, दोनों चीजें करते हैं, और अपने दुख की निवृत्ति के लिए भी ये दोनों चीजें की जाती हैं, पर अनुग्रह, पर का अनुग्रह और पर का परिताप। तो ऐसा होने से परानुग्रह पीड़ाभ्याम धर्माधर्म उपचिनोति, दूसरे का अनुग्रह, परानुग्रह और पीड़ा, पर पीड़ा, इसके द्वारा वो धर्म और अधर्म दोनों का चयन करता है। कौन? हर व्यक्ति, सामान्य सबके लिए लागू है अभी तक बात। तो चूंकि हमारी प्रवृत्ति है दुख से बचने की, सुख को पाने की, तो इन दोनों के लिए हम जो कार्य करते हैं उसमें हमारा कर्माशय बनता रहता है, पाप पुण्य कर्माशय बनता रहता है। तो ये कहां केंद्रित हो रहे हैं? कर्माशय पर केंद्रित हो रहे हैं, धर्माधर्म रूप कर्माशय पर केंद्रित हो रहे हैं। आगे सकर्माशय लोभान मोहान भवति इति एषा ताप दुखता उच्यते, इति ताप दुखता उच्यते। तो ये जो कर्माशय होता है ये लोभ और मोह से होता है, जो सुख की प्राप्ति के संदर्भ में होता है वो लोभ, अधिकतर लोभ और मोह से युक्त होता है, और द्वेष से विद्ध होता है वो क्रोध पूर्वक होता है। सुख के संदर्भ में विशेष रूप से कह रहे हैं, हालांकि सुख की प्राप्ति के लिए भी व्यक्ति दूसरों को क्रोधित होकर के ताड़ित करता है, फिर उनसे कुछ छीन लेता है और अपना सुख भोगता है। तो सुख प्राप्ति के लिए भी क्रोध पूर्वक, लोभ पूर्वक, मोह पूर्वक हो सकता है, दुख की निवृत्ति के लिए भी तीनों तरह से हो सकता है। तो इनको करते हुए जो ये कर्माशय बना है, अब ये कर्माशय लोभ और मोह से युक्त है यानी क्लेश से युक्त है। तो क्लेश से युक्त होते हुए कर्माशय बना, और जब कर्माशय बना है तो कर्माशय का फल मिलेगा, बंधन आएगा, ये इसको ताप दुखता दिखाई दे रही है। तो ताप दुख कहां दिखाई दे रहा है योगी को? कर्म फल के रूप में, जो सुख सुखदायक चीजों को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं उसमें भी जो परपीड़ा परानुग्रह होता है उससे जो बंधन बनता है, कर्माशय बनता है और जन्म मिलेगा, ये उसको वहां पर दिखाई देने लगता है कि ये मेरे बंधन का कारण बन रहा है। धर्माधर्म रूप कर्माशय को देख करके जब उसको कष्ट होता है, ये है ताप दुख। पिछले वाला संस्कार था संस्कार दुख, उसमें वासना रूप संस्कारों को देख करके उसको कष्ट हो रहा था, ये धर्माधर्म रूप संस्कारों को देख करके, कर्माशय को देख करके इसको दुख होता है। सामान्य व्यक्ति इस बात को नहीं समझता, वो सुख दुख की प्राप्ति या निवृत्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है और उससे उसको जो भी अच्छा बुरा होता है, आगे नहीं जाता है। कुछ व्यक्ति ये सोचने लग जाते हैं कि भाई बुरा कर्म करेंगे तो दुख होगा, अच्छा कर्म करेंगे तो सुख होगा, वो धर्म धर्म का सोचते हैं एक सीमा तक। लेकिन जब वो धर्म पूर्वक भी सुख को प्राप्त कर रहे होते हैं उस काल में, उसको उनसे बनने वाला कर्माशय, उस सुख की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जा रहा है उससे बनने वाला कर्माशय, उस पर अधिक केंद्रित नहीं होते हैं वो। परोपकार करेंगे पुण्य बनेगा, इसको ध्यान रखते हैं, अपकार करेंगे दूसरे की हानि पहुंचाएंगे, इसको भी वो ध्यान रखते हैं। लेकिन सामान्य रूप से अपने जीवन को चलाते हुए जब हम कुछ दूसरों को अनुग्रह या पीड़ा करते हैं, अपना ठीक चीज जिसको ठीक कह रहे हैं उसको चलते हुए भी, उसमें भी जो हम करते रहते हैं, ये जो कर्माशय होता है इस पे उसका सामान्य व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है। योगी उसको भी देखता है कि मैं जो भी ये कर रहा हूं, ऐसा करूंगा तो इससे कर्माशय बनेगा, क्लेश साथ में रहेंगे और कर्माशय मेरे बंधन का कारण बनेगा, और उस बंधन में वो दुख देख रहा है, ये ताप दुखता हुआ।
दूसरा दुख हुआ। तीसरा संस्कार दुख, का पुनः संस्कार दुख था। संस्कार दुख क्या है? सुखानुभवात सुख संस्काराशयो दुखानुभवात अपि दुख संस्काराशय इति एवं कर्मभ्यो विपाके अनुभूयमाने सुखे दुखे वा पुनः कर्माशय प्रचयति। हाँ, पहले जो बोला था वो परिणाम दुख था, संस्कार दुख नहीं था, वो परिणाम दुख था। जो हमने पीछे देखा कि परिणाम में क्या निकला हमारा, तृप्ति तो नहीं हुई, जो चाहते थे वो नहीं हुआ, वो परिणाम दुख हुआ। ताप दुख में कर्माशय को देख करके वो पीड़ित होता है कि देखो ये कर्माशय बन रहा है, ये उसके लिए कष्ट का कारक, कष्ट का कारण बन जाता है ताप दुख। और अब है संस्कार दुख, तो उसके लिए कहा कि सुख अनुभवात सुख संस्काराशय और दुखानुभवात अपि दुख संस्काराशय। सुख भोगा तो सुख का संस्कार कर्माशय, संस्कार वासना रूप संस्कार द्वेष बनेगा और राग बनेगा, और दुख भोगा अनुभव किया तो दुख का संस्कार पड़ेगा, देश का संस्कार पड़ेगा। ये जो संस्कार बन रहे हैं ये इसको कष्ट दे रहे हैं, संस्कार के रूप में कष्ट दे रहे हैं। सुख भी कष्ट दे रहा है क्योंकि उसका संस्कार पड़ रहा है, दुख भी कष्ट दे रहा है क्योंकि उसका संस्कार पड़ रहा है। दुख से दुख हो रहा है इसलिए नहीं, दुख से दुख हो रहा है वो तो है, वो तो सबको ही हो रहा है, और सुख से सुख हो रहा है उसमें औरों को तो कष्ट दिखता नहीं है, इसको संस्कार दिखाई देता है। और जब ये संस्कार बन जाते हैं तो इसके लिए आगे कहा एवं कर्मभ्यो विपाके अनुभूय माने, कर्म से जब विपाक होता है, कर्म का फल मिलता है, उसको अनुभव करते हुए सुखे दुखे वा सुख और दुख फिर होने लगते हैं और पुनः कर्माशय प्रचय। और जब सुख दुख होंगे तो सुख होगा तो उसकी प्राप्ति के लिए फिर वो कर्म करेगा, फिर कर्माशय बनने लग जाएगा, दुख होगा उससे बचने के लिए कुछ करेगा, फिर कर्माशय बनेगा, तो ये क्रम चलता रहेगा। फिर कर्माशय बनेगा, फिर उसका भोग भोगेगा, उसके फिर सुख दुख के संस्कार पड़ेंगे। तो यहां संस्कार दुख में तो वासना रूप संस्कारों का बनना उसको हानिकारक दिखाई देता है, प्रतिकूल दिखाई देता है, इसलिए उसको ये कष्ट दिख रहा है। विषय सुख के काल में भी संस्कार दुख दिखाई दे रहा है, दुख में तो होता ही है, सुख में भी। तो ये परिणाम ताप संस्कार दुख तीन को बताया इन्होंने। अब इन तीनों को लेकर के सामान्य रूप से कुछ बातें बता रहे हैं। एवं इदम अनादि स्रोतसो विप्रसृतम योगिनम एव प्रतिकूलात्मकत्वात् उद्वेजयति। ये जो अनादि दुख का स्रोत है, कौन से दुख हैं? ये परिणाम ताप संस्कार दुख की बात कही जा रही है। जो सामान्य दुख होता है उसकी बात नहीं कह रहे हैं, वो भी चल रहा है, वो भी अनादिकाल से फैला हुआ है, ये ठीक है, लेकिन यहां जो कथन किया जा रहा है वो किन का? परिणाम ताप संस्कार दुख के संदर्भ में। इस प्रकार से ये अनादि दुख का स्रोत है, ये विप्रसृतम बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ है, थोड़ा थोड़ा नहीं है, हर जगह जुड़ा हुआ है, बहुत फैला हुआ है। और योगिनम एव प्रतिकूलात्मकत्वात् उद्वेजयति, योगियों को ही उद्विग्न कर देता है। क्यों? प्रतिकूलात्मकत्वात्, प्रतिकूल होने से, ये सब चीजें प्रतिकूल है, परिणाम भी ताप भी संस्कार भी, ये उसको प्रतिकूल दिखाई देती है, अनुभव में आती है, इसलिए उसको उद्विग्न कर देती है, ये नहीं चाहिए मेरे को, उसको दुख रूप दिखने लगता है, प्रतिकूल होने से वो दुख दिखाई देता है। कस्मात? तो क्या है कि योगियों को ही क्यों होता है, औरों को क्यों नहीं होता है? उसका उत्तर दिया जा रहा है, अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान इति। विद्वान यानी तो योगी, विद्वान मतलब तो योगी के रूप में है, या जो लोक में सामान्य रूप से कहने लगते हैं कि भाई विद्वान यानी जो जानता है बस वैसे ही शाब्दिक, उसको भी विद्वान बोलते ही है, प्रवचन कर सकता है, पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, उसको भी विद्वान बोलते हैं, लेकिन उनमें भी क्लेश देखे जाते हैं। यहां जो विद्वान कहा जा रहा है ये वास्तविक विद्वान के रूप में कहा जा रहा है, ये जो योगी है जिसने ये सब चीजें समझ ली हैं, जान लिया है, उसके लिए कहा जा रहा है। तो अक्षिक पात्र कल्पो ही विद्वान इति, ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, बहुत बोली जाती है प्रवचनों में, अक्षी पात्र के समान होता है। अक्षी मतलब आंख, पात्र मतलब ये जो गोलक है हमारा, कैसे इसके समान होता है इसको स्वयं खोल करके बता रहे हैं। यथा ऊर्णा तंतु अक्षी पात्रे न्यस्तः स्पर्शेन दुखयति न च अन्येषु गात्रे गात्रावयवेषु। जिस प्रकार से कोई ऊन का एक छोटा सा तिनका, ऊन का एक छोटा सा रेशा हो, छोटी सी मिट्टी का कण हो, मकड़ी का कोई जाला हो थोड़ा पतला सा, वो यदि आंख में चल जाता है तो बहुत परेशान करता है, स्पर्श मात्र से बहुत दुख करता है, लेकिन शरीर के अन्य अवयवों में
वो रखा जाए, चमड़ी में रखा जाए, सामान्य चमड़ी में, चेहरे पे भी पास में, या तो पैर की जहां मोटी चमड़ी होती है उसको कुछ पता भी नहीं लगता, या तो दुख नहीं होगा, पता भी लगेगा तो दुख नहीं होगा। ये संवेदनशीलता की भिन्नता है, आंख अधिक संवेदनशील है इस विषय में, तो जैसे उसको दुख नहीं होता है। एवं एतानी दुखानी अक्षिपात्र कल्पम योगिनम एव कृष्णंती नेत्रम प्रतिपत्तारम। इसी प्रकार से ये जो परिणाम ताप संस्कार दुख है, ये योगी को अक्षिपात्र के समान योगी को ही, अति संवेदनशील योगी को ही दुख देते हैं। नेत्रम प्रतिपत्तारम, अन्य लोग जो इन दुखों को पाते हैं उनको अनुभव में नहीं आते हैं। ये नहीं कह रहे कि उनको प्राप्ति ही नहीं होते हैं, प्राप्त तो होते हैं, वो भी प्रतिपत्ता है, उसको प्राप्त करते हैं, लेकिन उनको प्राप्त होते हुए भी अनुभव में नहीं आते दुख, वो उनको दुख 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 ही नहीं लगता है। योगी को ये दुख लगेगा। अन्य लोग क्या करते हैं, तो इतरम तु स्वकर्मोपहृतम दुखम उपात्तम उपात्तम त्यजंतम। अन्य लोग तो अपने कर्मों से उपार्जित दुख को ग्रहण करते करते छोड़ते हुए, ग्रहण भी करते करते जाते हैं, छोड़ते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी ग्रहण करते चले जाते हैं। दुख को छोड़ना चाहते हैं, कुछ थोड़ा छोड़ भी देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारा ग्रहण करते चले जाते हैं। और त्यक्तम त्यक्तम उपादानम, और जिसको छोड़ा है, छोड़ते छोड़ते भी उसी दुख को फिर ग्रहण कर लेते हैं, पता है कि इससे दुख आने वाला है, कष्ट आने वाला है, छोड़ा भी है, लेकिन फिर उसी दुख को भूल जाते हैं और फिर सुख को पाने के लिए करते हैं प्रयास और फिर दुख आ जाता है। वो छोड़ते छोड़ते भी फिर उसको ग्रहण कर लेते हैं। त्यक्तम त्यक्तम उपादानम अनादि वासना विचित्रतया चित्त वृत्तिया, अनादि काल से चली आ रही अति विचित्र चित्त की वृत्ति के द्वारा समंत तो अनुविद्धम इव, चारों ओर से बिंधा हुआ अविद्या से, विचित्र विद्या से बिंधा हुआ जैसे उसका चित्त है, उससे अविद्या हातव्य, अविद्या के द्वारा, हातव्य को अलग लेंगे, अविद्या के द्वारा हातव्य एव, छोड़ने योग्य चीजों में ही, जो चीजें छोड़ने योग्य हैं उसमें वो अविद्या के कारण से अहंकार ममकार अनुपातिनम, जो अहंकार और ममकार से युक्त होता रहता है, चीजें छोड़ने वाली हैं लेकिन अविद्या के कारण से उसमें अहंकार और ममकार ले आता है, ये मेरा है और इससे मेरे को ये मिलेगा, और उससे इसमें लिप्त होता रहता है। जातम जातम, और बार बार उत्पन्न होता हुआ बाह्यम बाह्य आध्यात्मिक उभय निमित्ता त्रिप्रवाणस्तापा अनुप्लवंते। ये लोग ऐसे सामान्य व्यक्ति जो हैं, इतर तो बाह्य और आध्यात्मिक, बाह्य तरफ से जो दुख आते हैं बाह्य विषयों से, और अंदर का जो हमारा दुख होता है, बाहर की सारी चीजें ठीक है लेकिन फिर भी अंदर दुख होता है, और अंदर से ठीक है लेकिन बाहर के प्रतिकूल विषय आ रहे हैं तो भी दुख होता है, तो बाह्य हो चाहे अंदर ही हो, इनके बाह्य आध्यात्मिक उभय निमित्ता दोनों से होने वाले त्रिपरवाणस तापा अनुप्लवंते, इन तीन पर्व वाले तापों में अनुप्लवंते, डुबकियां लगाते हैं, खूब डूबते हैं उसके अंदर, ये तीन ये परिणाम ताप संस्कार दुख इनसे युक्त तो होते रहते हैं। इसी में ही तैरते रहते हैं, यूं कहें अनुप्लवंते, जैसे कि पानी में कोई लकड़ी का टुकड़ा हो या कोई हल्की चीज हो, वो उसी में तैरती रहती है, वहीं पर बाहर नहीं जा सकती, अर्थात वो उसी में ही रहती है, दुखी दुख में रहती है, ये दुख की अधिकता। कोई चीज तैरती है किस पे, जब नीचे ज्यादा चीज होती है तब तैरती है, नीचे थोड़ी सी चीज हो बड़ी हो तो तैरती थोड़ा है। तो ये इन दुखों की अधिकता को बताते हुए कह रहे हैं कि इतने अधिक दुख हैं और व्यक्ति इसी में तैरता ही रहता है, जैसे उसी में डुबकियां लगाता रहता है। अनुप्लवंते तदेवम अनादिना दुख स्रोतसा विह्यमानम आत्मानम भूतग्रमम च दृष्ट्वा। योगी सर्व दुख क्षय कारणम सम्यक दर्शनम शरणम प्रपद्यते इति। तो इस अनादि दुख के स्रोत से विह्यमानम, बिना जाता हुआ चक्र में फंसा हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ, आत्मानम भूतग्रामम च दृष्ट्वा, अपने आप को और अन्य प्राणियों के समूह को देखता हुआ कि मैं भी इनमें घिरा हुआ हूं, इस दुख सागर में घिरा हुआ हूं, अनादिकाल से चले हुए इसमें बिंधा हुआ हूं, सब तरफ से जकड़ा हुआ हूं, और अन्य प्राणियों को भी देखता हुआ, मैं भी ऐसे ही और दूसरे भी ऐसे ही फंसे हुए हैं, तो आत्मानं भूतग्रामं च दृष्ट्वा, ऐसा करके योगी दुख सर्व दुख क्षय कारणम सम्यक दर्शनम शरणम प्रपद्यते। सब दुखों के क्षय का कारण, सब दुखों के नाश का कारण जो है, उपाय है क्या, सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञान, उसकी शरण को प्राप्त कर लेता है, उसकी शरण में आ जाता है कि सम्यक ज्ञान के बिना इस दुख से हट नहीं सकते,
आता ही रहेगा, उसको पता लग गया है कि अविद्या के कारण ही सारा दुख आ रहा है, तो बस सम्यक दर्शन की शरण में आ गया, यही मेरे को इस दुख से छुटकारा हो सकता है, इसको पाऊंगा तभी मेरा ये दुख हट सकता है, सम्यक दर्शन की शरण में आ जाता है, उसको अपना लेता है और बस सम्यक दर्शन में ही लगा रहता है, अपने सम्यक दर्शन को बनाए रखने का प्रयास करता है, उसी को परिपुष्ट करता चला जाता है, बस यही प्रक्रिया। तो ज्ञान के द्वारा दुख नष्ट हो रहा है, बंधन ज्ञान के द्वारा नष्ट होगा, दुख ज्ञान के द्वारा नष्ट होगा, यह भी इसी तरह की बात है। हो गया यहां तक, अब आगे गुण वृत्ति विरोध दुख। गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना, फिर नए ढंग से कहा गुण वृत्ति विरोध होने से भी विवेकी के लिए सब दुख ही दुख है। पीछे जो तीन दुख बताए थे, परिणाम ताप संस्कार दुख, इनको योगी हटा सकता है जीवित रहते हुए भी। जीवित रहते हुए जीवन मुक्ति व्यक्ति परिणाम ताप और संस्कार दुखों से बच सकता है, क्योंकि उसने उनको लक्ष्य ही नहीं बनाया है, तो इंद्रियों के सुख को भोग के तृप्त होगा ये उसने काम ही करना छोड़ दिया है, तो उस दुख को प्राप्ति नहीं होगा। वो निष्काम कर्मी बन गया है तो कर्माशय अब उसका बन ही नहीं रहा है, जो बना है वो भी क्षीण हो रहा है, वो भी नष्ट हो जाएगा, तो ताप दुख भी उसको भी हटा देता है वो, और संस्कार दुख भी हटा देता है, नए संस्कार डाल नहीं रहा है, पुराने संस्कारों को तनु कर दिया और अब दगदरीज कर दिया उसने, तो संस्कार दुख भी हटा सकते। तो जीवन मुक्त है, उसको परिणाम दुख कहां से आएगा, उसको ताप दुख कहां से आएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रारब्ध कर्म जो अभी चल रहा है उसका कोई भोग भोग सकता है, बाकी उसको कुछ नहीं आने वाला है, छूट जाएगा वो, ताप दुख है ही नहीं उसको, और उसको पता है कि जीवन मुक्त हो गया हूं, अब शरीर छूटते ही मुक्ति में जाऊंगा, ये जो कर्माशय है जिसके कारण से दुख हो सकता था वो मेरे को फल नहीं दे सकता है, अविद्या को मैंने नष्ट कर दिया है, तो उस कर्माशय से अब उसको डर भी नहीं लगेगा कुछ भी, जो भी उसका कर्माशय है, क्योंकि वो फल ही नहीं देने वाला है, किस बात का दुख होगा उसको, तो ताप दुख भी चला गया, और संस्कारों को उसने दग्धबीज कर दिया है, तो अब उन संस्कारों से दुख की कोई बात ही नहीं, इसलिए संस्कार दुख भी चला गया, तीनों दुख हटा सकता है जीवन मुक्त व्यक्ति। अब ये चौथा है गुण वृत्ति विरोध दुख, जिसको कि अलग से दिखाता है। तो गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना, प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूपा बुद्धि गुणा, बुद्धि के जो गुण है सत्वरस्तम, वैसे तो पूरी प्रकृति में है, जड़ वस्तुओं में है, शरीर में है, इंद्रियों में है, बुद्धि में भी है, लेकिन चूंकि अंतिम रूप से देखा जा रहा है इसलिए बुद्धि में सत्वरस्तम को देख रहे हैं मुख्य, बाकी तो सब जगह भी घटा सकते हैं इसको। तो प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूपा बुद्धि गुणा, प्रख्या हो गया ये सत्व, सत्वरूप प्रकाशक, प्रवृत्ति माने क्रिया और स्थिति मतलब एक जगह टिकना, ये तमोगुण का हो गया। ये जो बुद्धि के गुण हैं ये परस्पर अनुग्रह तंत्री भूत्वा, आपस में परस्पर ये तीनों मिल करके अनुग्रह तंत्री भूत्वा, अनुग्रह एक दूसरे का अनुग्रह करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, सहायता करते हुए, एक तंत्री भूत्वा एक तंत्र बना लेते हैं, जाल बना लेते हैं, इसको दिक्कत आती है वो रक्षा करता है, उसको दिक्कत आती है वो रक्षा करता है, उसका कार्य है तो इसने सहयोग कर दिया, उसका कार्य है तो इसने सहयोग कर दिया, आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो परस्पर अनुग्रह तंत्री भूत्वा शांतम घोरम मूढ़म वा प्रत्ययम त्रिगुणम एवं आरभन्ते, शांत प्रत्यय यानी ज्ञान, घोर दूसरा दुख का, मूढ़ यानी अज्ञानता का, इस प्रत्यय को ज्ञान को त्रिगुणम एवं आरभन्ते, त्रिगुणात्मक ही ये प्रारंभ करते हैं, शांत है तब भी त्रिगुणात्मक है, घोर है तब भी त्रिगुणात्मक है, और मूढ़ है तब भी त्रिगुणात्मक है। अब जीवन मुक्त भी रहेगा तो उसकी बुद्धि तो काम करेगी ही, त्रिगुणात्मक बुद्धि तो काम करेगी ही, उसकी भी कोई तो स्थिति रहेगी ही, त्रिगुण वहां भी उसके साथ रहेंगे, उनसे वो बच नहीं सकते। आगे कहा चलम च गुणवृत्तम इति क्षिप्र परिणामी चित्तम उक्तम, चलम च गुणवृत्तम इति, गुणों का जो व्यापार है ये चलन च चलायमान है, बदलता रहता है एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए क्षिप्र परिणामी चित्तम उत्तम, ये जो चित्त है शीघ्र ही बदल जाने वाला है, शीघ्र ही परिणाम को प्राप्त हो जाता है, कभी ये चीज कभी वो चीज, कभी ये चीज कभी वो चीज, क्षिप्र परिणामी है। हम सामान्य व्यक्ति तो अनुभव करते ही हैं, योगी भी इस बात को अनुभव करता है कि ये स्थिर नहीं रह सकता है, इसकी स्थिति जो विवेक ख्याति है ये भी क्षीण होती है, नीचे आ जाती है, कम हो जाती है, स्थिर नहीं रह पाती है सदा के लिए, हमारी अपेक्षा से स्थिर होता है लेकिन कुल मिलाकर के तो क्षीण होने वाली होती है। क्षिप्र
परिणामी चित्तम उक्तम स्वरूपातिशया वृत्त्यातिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते। और ये जो तीन गुण हैं ये रूपातिशय से और वृत्त्यातिशय से परस्पर विरुद्ध भी होते हैं, ये आपस में एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं और आपस में एक दूसरे के लिए विरुद्ध भी पड़ जाते हैं, सहयोग भी करते हैं और विरोध भी करते हैं। तो ये जो रूपातिशय बताया गया है इसकी व्याख्या की जाती है, छह चीजें हैं, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान और वैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ज्ञान अज्ञान और अवैराग्य, यानी धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य और ऐश्वर्य अनैश्वर्य। ये जो दूसरे सूत्र में भी आया था योग चित्तवृत्ति निरोधों के अंदर, तो धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये रूपातिशय है इनके त्रिगुणों के, इनके रूप माने जाते हैं। और वृत्त्यातिशय के रूप में शांत घोर मूढ़ रूप में जो कहा जाता है ये इनकी इनका वृत्त्यातिशय कहा जाता है। तो रूपातिशय और वृत्त्यातिशय से परस्पर विरुद्ध होते हैं। जब ये कम कम मात्रा में रहते हैं तो सहयोग में करते रहेंगे, लेकिन एक अगर कोई चीज बढ़ गई है तो दूसरे की स्थिति को रोक देगी वो। थोड़ा थोड़ा ज्ञान अज्ञान चल रहा है, लेकिन अज्ञान बहुत बढ़ गया तो ज्ञान एकदम रुक जाएगा, ज्ञान एकदम बढ़ गया तो अज्ञान एकदम रुक जाएगा। ये बढ़ने पर एक दूसरे को बाधित करते हैं, रोकते हैं। तो रूपातिशय वृत्त्यातिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते, सामान्यानि तु अतिशयी सह प्रवर्तन्ते। लेकिन जब ये अतिशय में नहीं होते, सामान्य रूप से होते हैं, मंद वेग वाले होते हैं, कम शक्ति वाले होते हैं, तो अन्यों के साथ साथ चलते रहते हैं। जब इनकी ताकत बढ़ जाती है तो दूसरों को दबा लेते हैं, खुद मुख्य बन जाते हैं, और जब खुद जिस समय कमजोर होते हैं तो जो दूसरा मुख्य बना हुआ है उसके साथ साथ चलते हैं, उसका अनुचर, स्वयं स्वामी बनेंगे, दूसरों को अनुचर बना लेंगे, और स्वयं दुर्बल बन रहे हैं तो किसी स्वामी के साथ में चल लेंगे अनुचर रूप में, ये एक दूसरे को ऐसे चलते रहते हैं। सामान्य यानी तो अतिशयी से प्रवर्तते, एवं एते गुणा इतरे तराश्रयेण उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्यया सर्वे सर्वरूपा भवन्ति। इस प्रकार ये गुण इतरे तर आश्रय के द्वारा आपस में एक दूसरे के सहयोग से सुख दुख को उपार्जित करके सुख दुख और मोह इस प्रत्यय वाले सर्वे सर्वरूपा भवन्ति, ये सभी सभी रूपों वाले हो जाते हैं। वैसे तीनों एक एक अलग अलग रूप वाले हैं, लेकिन जब मिल जाते हैं, एक होता है तो बाकी दो भी होते हैं कुछ ना कुछ ढंग से, कोई भी एक होता है तो दूसरे बाकी दो होते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ रूप में वहां पर ये सर्वे सर्वरूपा भवन्ति, सब में सब है, सुख है तो दुख भी रहेगा वहां पर, यानी सत्वगुण है तो तमोगुण भी कुछ रहेगा, रजोगुण भी कुछ रहेगा, आपस में कुछ ना कुछ तो रहते हैं। इस दृष्टि से सरे सब रूपों से युक्त रहते हैं। गुण प्रधान भाव कृतस्तु एषाम विशेषायति, लेकिन प्रधानता और अप्रधानता की दृष्टि से इनमें विशेषता रहती है, कभी कोई अधिक उभरा हुआ रहता है, कोई कम रहता है, कोई दूसरा कभी उभर जाता है, ये इनमें विशेषता रहती है। इसी आधार पर हम कहते हैं कि सात्विकता है, राजसिकता है, तामसिकता है, प्रधानता के कारण से। तस्मात दुखमेव सर्वम विवेकी नहीं थी, इसलिए विवेकी के लिए तो ये सारा का सारा दुख रूपी है। उसको पता है कि मैं शरीर में रह रहा हूं, बुद्धि का मेरे को उपयोग करना है, इंद्रियों का उपयोग करना है, तो ये सत्वरस्तम तो साथ में रहेंगे ही, और सत्वरस्तम के कारण से जो कष्ट आ रहे हैं, इनका जो ऊंचा नीचा होने से कष्ट आ रहे हैं, वो तो आएंगे, उससे मैं नहीं बच सकता। अर्थात प्रकृति और प्रकृति से बने हुए पदार्थों में जो स्वाभाविक रूप से ऊंचा नीचापन आता है, ये कष्ट तो होगा ही। इसको स्थूल रूप से जो हम शारीरिक रूप से देख सकते हैं, शरीर में देख सकते हैं, तो भूख प्यास है, निद्रा है, वृद्धावस्था है, क्षीणता है, दुर्बलता है, ये तो आएंगे ही, ये प्रकृति के अपने धर्म है, इसके बिना वो रह ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता है, इनको वो बचा भी नहीं सकता, इनसे बच भी नहीं सकता है। इनसे बचने का मात्र इतना ही उपाय है कि जब प्यास लगी तो पानी पी लिया, भूख लगी तो खाना खा लिया, नींद आई तो सो लिए, गंदगी हुई तो स्नान कर लिया, इस रूप में चलाना ही पड़ेगा, इनको जीत नहीं सकता है, समाप्त नहीं कर सकता है। इस तरह की बाधाएं बनी रहेंगी, प्रकृति की जो अनिवार्यताएं हैं वो बनी रहेंगे, इसको वो दुख रूप दिखाई देगा। परिणाम ताप संस्कार के अतिरिक्त गुणवृत्ति विरोध तो चलता रहेगा, ये गुणों का अपना स्वभाव है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है इसको। आगे तदस्य महतो दुख समुदाय से प्रभव बीजम अविद्या। अब ये जो दुख समुदाय है पूरा इतना सारा, इसका उत्पत्ति का प्रभव बीज क्या है, उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? बोले अविद्या ही इसका मूल कारण है। पहले भी इस बात को बताया इन्होंने, बार बार इस बात को कहते रहते हैं, ये जो समस्त दुख हैं इसका मूल कारण तो अविद्या है।
तस्याश्च सम्यक दर्शनम अभाव हेतु। इस अविद्या के अभाव का कारण क्या है, कैसे यह हटेगी, सम्यक दर्शन है, योगी सम्यक दर्शन की ही शरण में आया था। आगे यथा चिकित्सा शास्त्रम चतुर्व्यूहम, जैसे चिकित्सा शास्त्र चार चीजों में बटा हुआ है, कौन से, रोग रोग हेतु आरोग्यम भैषज्यम इति। एक तो चिकित्सा अगर हो रही है तो रोग का पता होना चाहिए, बिना उसके नहीं होगा, एक रोग का कारण पता होना चाहिए। तीसरा है आरोग्य यानी स्वस्थ किसे कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए, और आरोग्य के कारण क्या है, भैषज्य चिकित्सा औषधि क्या है, ये भी पता होना चाहिए। पूरी चिकित्सा इन चारों के अंतर्गत आ जाती है। एवं इदम अपि शास्त्रम चतुर्व्यूहम एव, ये शास्त्र यानी योग शास्त्र भी अध्यात्म शास्त्र भी चार प्रकार से बिना हुआ है, चार चीजों में समाहित है। तद्यथा संसार संसार हेतु मोक्षो मोक्षोपायश्च। संसार ये तो हो गया रोग की तरह से, संसार का हेतु ये हो गया रोग का हेतु, मोक्ष ये हो गया आरोग्य, और मोक्ष के जो उपाय हैं ये हो गए भैषज औषधि की तरह से। तत्र दुख बहुलः संसारो हेयः, इसमें जो हे है छोड़ने योग्य है, जो रोग है, हे हे हेतु हान हानोपाय, ये चार शब्द आ रहे हैं, इन्हीं चारों को गिनाया है। तो ये जो दुख से बहुल संसार है ये छोड़ने योग्य है, हे है। प्रधान पुरुषों यो संयोगो हे हेतु, प्रकृति और आत्मा इनका जो संयोग हुआ है ये दुख का कारण है, इनका संयोग हुआ है तो दुख में जन्मोत्पत्ति, संयोग हुआ है तो दुख तो आएंगे यहाँ पर। और संयोग से अत्यंत की निवृत्ति रहानम, ये संयोग जब पूरी तरह हट जाता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, ये मोक्ष कहलाता है। और हानोपाय है सम्यक दर्शनम, इस मुक्ति की प्राप्ति का उपाय क्या है, सम्यक दर्शन। योगाभ्यास से भी विवेक ख्याति होकर सम्यक दर्शन ही प्राप्त होता है, वस्तुतः मुक्ति देने वाला है सम्यक दर्शन, ज्ञान से मुक्ति होती है, ज्ञानान मुक्ति। तत्र हातु स्वरूपम उपादेयम वा हेयम वा न भवितुम अर्हति, जो हातु है छोड़ने वाला है यानी जीवात्मा, उसका स्वरूप ना तो हे हो सकता है ना उपादेय हो सकता है, उसको क्या छोड़ेंगे, वो तो अपना ही है, अपने स्वरूप को उसमें और कुछ प्राप्त भी नहीं करना है, वो तो उसका अपना ही है। न भवितुम अर्हति इति हाने तस्य उच्छेदवाद प्रसंग उपादाने च हेतुवाद है। यदि हम कहेंगे कि इसको छोड़ने योग्य है तो आत्मा के उच्छेद का प्रसंग आ जाएगा यानी नाश का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि तो सारे धर्म स्वाभाविक हैं, वो हट गए तो वो नाश नष्ट होने वाला हो जाएगा, यानी नाश अनित्य मानना पड़ेगा। और उपादाने च हेतुवाद, और यदि उपादान मान लिया तो ये जो आत्मा बना है किसी ने हेतु से बनाए, निमित्त से बनाए, जो निमित्त से बनी है वो भी अनित्य हो जाएगी। उभय प्रत्याख्याने शाश्वतवाद इत्येतत् सम्यक दर्शनम्, दोनों का प्रत्याख्यान करके आत्मा में वास्तव में न तो कुछ प्राप्त करने योग्य है न छोड़ने योग्य है, जो है जैसा है बस, ये जो हमने देख लिया ये शाश्वतवाद है यानी नित्यता इसमें आत्मा की बनी रहती है, और ये सम्यक दर्शन है, इसको जान करके व्यक्ति मुक्ति की तरफ जाता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवत। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।